नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज VCM में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि PFMS यानी कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम में हम किस प्रकार से अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर सकते हैं। साथियों, यह जो कार्य है इसको प्रति वर्ष किया जाना अनिवार्य है। जब भी आप लॉगिन करते हैं तब ये आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आती है, तो आप किस प्रकार से अपने जो मोबाइल नंबर उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लेनी है, और ब्राउज़र ओपन करने के बाद सर्च बार में आपको टाइप करनी है इस तरह से PFMS login। जैसे ही टाइप करते हैं ये वाला इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। उसके बाद देखिए, आपको यहाँ पहला ही पेज दिखाई पड़ रहा है PFMS.nic.in। आपको इसके ऊपर ही क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये लॉगिन वाला पेज दिखाई पड़ जाएगा, जहां पे आप अपने विद्यालय के जो यूज़र नेम और पासवर्ड है उसके थ्रू आपको लॉगिन कर लेनी है। चलिए हम यहां पे अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर लेते हैं, चाहे वो आपका ऑपरेटर आईडी हो, चाहे आपका वह अप्रूवल आईडी हो। तो जैसे ही लॉगिन करते हैं तो जस्ट हमारे सामने स्क्रीन पर ये वाला पेज दिखाई पड़ जाता है, जहां पर देखिए कहा जा रहा है कि वेरीफाई मोबाइल नंबर पे देखिए स्टार लगा हुआ है, और यहां पर मोबाइल नंबर का लास्ट 3 डिजिट आपको दिखाई पड़ जाएगा। उसके नीचे में आपको वेरीफाई ईमेल, ये ऑप्शनल है, यानी कि इसको वेरीफाई करना अनिवार्य नहीं है। उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए सेंड OTP आपको दिखाई पड़ रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप सेंड OTP क्लिक करते हैं तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP चला जाएगा, उस OTP को फिल करके आपको वेरीफाई करना है। अब मान लीजिए किसी कारणवश आपका जो मोबाइल नंबर आपने इंटर किया हुआ है या फिर ईमेल आईडी आपने फिल किया हुआ है वह करेक्ट नहीं है, तब स्थिति में देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि इफ यूअर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी इज नॉट करेक्ट प्लीज क्लिक हियर टू व्यू आप या फिर अपडेट, यानी कि यहाँ पे क्लिक करके आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए हम सेंड OTP पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम सेंड OTP पे क्लिक करते हैं तो यह प्रोसेसिंग लेता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि OTP सेंड ऑन यूअर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यहाँ पर देखिए हमारे मामले में ये OTP आ चुका है इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए आपको OTP दिखाई पड़ रहा है, तो यह जो OTP है देखिए आपका करेक्टर भी है और आपका लेटर भी है, यानी कि डिजिट भी है और आपका लेटर भी है, तो इस दोनों के समावेश है, तो इसको यहाँ पे आपको फिल कर देना है। अब यहाँ पर देखिए फिर कहा जा रहा है कि OTP एक्सपायर इन 4 मिनट, यानी कि 5 मिनट के लिए आपको यह जो OTP है वह वैध है। किसी कारणवश मान लीजिए आपके मोबाइल नंबर पर OTP नहीं आ पाता है, तो देखिए यहाँ पर आपको रिसेंड OTP का ऑप्शन दिया गया है, तो इस पर क्लिक करके आप पुनः OTP के रिक्वेस्ट सेंड कर पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर OTP फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने OTP फिल कर ली है। उसके बाद क्या करनी है, आपको ये वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई OTP पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको ये वेरीफाइड दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद नीचे में देखिए आपको सबमिट दिखाई पड़ रहा है, तो ये सबमिट को आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आता है, यानी कि आपने जो पासवर्ड के थ्रू आपने लॉगिन किया हुआ है वह जो पासवर्ड क्या हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है, तो यहाँ पर आपको एक नया पासवर्ड क्रिएट कर लेनी है। तो पासवर्ड चेंज करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर देखिए आपको अपना यूजर नेम दिखाई पड़ जाएगा, यहाँ पे आपको करेंट पासवर्ड डालना है कि वर्तमान में जिस पासवर्ड के थ्रू आपने लॉगिन किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपको नया पासवर्ड क्रिएट करनी है, उसको यहाँ पे आपको फिल करना है। फिर कंफर्म पासवर्ड में आपको फिर से जो नया पासवर्ड यहाँ पे आपने तैयार किया हुआ है उसको यहाँ पे आपको फिल करना है। साथियों, पासवर्ड तैयार करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखिए आपका कम से कम एक लोअर केस लेटर होना चाहिए, एक अपर केस लेटर होना चाहिए, और कम से कम एक डिजिट के साथ एक स्पेशल करेक्टर भी होना चाहिए। तो इस प्रकार इनका कंबिनेशन करने के बाद ही आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। तो इस प्रकार से ये पूरी डिटेल करने के बाद आपको ये चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप चेंज पासवर्ड पे क्लिक करते हैं तो देखिए आपके सामने एक मैसेज आता है कि पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, फिर आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद साथियों आप अपना नए पासवर्ड के द्वारा लॉगिन कर पाएंगे। तो आई होप साथियों वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप आसानी से अपना जो PFMS में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उसको आप वेरीफाई कर पाएंगे, और साथ ही पासवर्ड को भी आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की एक नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के साथियों नमस्कार।